कितना नसीबों वाला था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। जय आज के इस शहीदी दिवस के कार्यक्रम पर पधारे मार्च का गाइड के स्थानीय सचिव श्री लियाजाराम जी, भगवान दास जी मिठिया, महेंद्र जी, कृष्ण जी गोदारा और मेरे छोटे भाई मुकेश जी शर्मा, चंद्रशेखर ठाकुरदास जी जो हमारे सभी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, मार्गराज परिषद के अध्यक्ष भाई रमेश जी, मिठिया जी अशोक जी प्रखर वक्ता हैं और इनके साथ सभी रोवर्स। आज हम शहीद हेमू कलानी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि एक छोटी सी उम्र के अंदर देशभक्ति से ओतप्रोत एक बच्चे ने भारत भूमि पर जन्म लिया और अपना प्राण न्यौछावर भारत भूमि की रक्षा करते करते न्यौछावर कर दिए। इसी के साथ आज हम उन तीन उन देशभक्तों भक्तों का भी नमन करते हैं जिन्होंने आज के दिन हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। आप सभी इस कार्यक्रम में पहुंचे, आप सबका हृदय से आभार। हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए आज के जो युवा है। मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूं कि आप रोल मॉडल चुने पर किसको चुने, जैसे बच्चे पीछे से बुद्धि कटा लेते हैं, ऊपर से बाल ऐसे कराते हैं, कलर करा लेते हैं। मैंने कहा मैं जब भी बच्चों से संबोधन करता हूँ एक बात सीखे तो सही, आप रोल मॉडल चुने, अपना नेता चुने, पर किसको, उनको चुने जो देश के लिए कुछ करके गए हैं, उनकी जीवनी पढ़िए जो देश के लिए कुछ करके गए हैं, तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमेशा अपने जीवन के अंदर एक आइडियल बनाएं, पर आइडियल उसको बनाएं जो हमारे समाज और देश को एक दिशा दे सके। आप सभी का हृदय से आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान मुकेश जी शर्मा से, कृपया आप शहीद हेमू कलानी की जीवनी और हमारे जो वीर सपूत शहीद हुए थे मातृभूमि की रक्षा के लिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, इनको नमन करते हुए इनकी जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालें श्री मुकेश जी शर्मा। स्काउट गाइड के इस कार्यालय में हेमू कलानी जी की जयंती और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे अमर शहीदों का शहीदी दिवस मनाने के लिए एक मिनट तो हुए वो मीठा करते जाओ। अनूपगढ़ के सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक बंधुओं और बच्चों, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बिल्कुल किस प्रकार से शांति से अपना कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं, लेकिन आज से ठीक 100 साल पहले की वो परिस्थितियां जिस समय इन लोगों को देश के लिए शहीद होना पड़ा, उस समय यह चीजें जो है संभव नहीं थी। हमारे देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था और उस समय लगभग जिस समय ये लोग शहीद हुए 180 साल के लगभग हमारा देश गुलामी झेल चुका था। देश के नागरिकों के ऊपर अंग्रेज सरकार के अत्याचार लगातार ही बढ़ते जा रहे थे। उनके अत्याचारों से दुखी होकर देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में दो तरह के लोग थे, कुछ नरम दल के थे और कुछ गर्म दल के थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये लोग जो है गर्म दल से संबंधित थे, ये क्रांतिकारी थे। अन्य लोग जो है वो शांत ढंग से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए आंदोलन चला रहे थे।
जलियांवाला कांड जब हुआ और सैकड़ों की संख्या में देश के निर्दोष नागरिक भूनकर जो एक साधारण सभा करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे और उनको गोलियों से भूनकर मार दिया गया, इस बात से जो है हमारे जो क्रांतिकारी जो थे उनके अंदर इस प्रकार का जज्बा पैदा हुआ कि हमें कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बिना बड़ा किए हमारी सुनवाई नहीं होगी। बड़ा करने के लिए भगत सिंह जी के नेतृत्व में भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने आज की अपनी जो लोकसभा है वो उस समय असेंबली कहलाती थी और उस असेंबली में चल रही बैठक के दौरान इन्होंने उस असेंबली में बम फेंक कर धमाका किया था और धमाका भी वो इस प्रकार से बम किया था कि किसी को जान माल का नुकसान नहीं हो, सिर्फ अपना एक संदेश जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते थे ताकि ये गूंगी पहनी अंग्रेजों की जो सरकार है उसके कान खुल सके। वहां खड़े होकर बम फेंकने के बाद तीनों वहां से भागे नहीं, वहां उन्होंने पर्चे फेंके अपनी मांगों से संबंधित और अपने आप को पुलिस को सरेंडर किया। अंग्रेज सरकार ने अपने फर्जी कानूनों का सहारा लेते हुए और इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई। आज ही के दिन इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी और इन लोगों से सरकार कितनी भयभीत थी, सिर्फ जीवित रहने के बाद नहीं, इनके मरने के सरकार इनसे इतनी भयभीत थी कि इन लोगों की डेड बॉडी को चुपचाप जो है डिस्पोज कर दिया गया, इनके घर वालों को इनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। जबकि आज अभी भी आप देखते हो तो कश्मीर में जब कभी भी आपने देखा आतंकवादी मारे जाते हैं तो सरकार उनके घर वालों को सपोर्ट करती है, इस प्रकार की प्रक्रिया भी इनके मामले में नहीं अपनाई गई क्योंकि अंग्रेज सरकार तो इनसे बहुत ज्यादा भयभीत थी। ऐसे थे हमारे वीर ये शहीद जिनकी बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज हमारा देश आजाद है, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने विभिन्न प्रकार के हमारे जो धर्मों के जो त्यौहार हैं व्रत हैं वो हम लोग मना पाते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ये सब इन्हीं लोगों के देन है। मैं इस इनके शहीदी दिवस पर इनको सशस्त्र नमन करता हूँ और आप सभी लोग यहाँ पधारे आप सभी लोगों का हार्दिक आभार और विशेष तौर पर मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा स्काउट गाइड के जो भी कार्यकर्ता हैं अपने राजा राम जी के नेतृत्व में, रमेश सेवकानी जो हर वर्ष यहाँ साल में कम से कम 2-3 कार्यक्रम जो है, कभी किसी का जन्म दिवस आ रहा है तो कभी किसी का शहीदी दिवस आ रहा है मनाते हैं और हमें भी बुलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है किसी ने कि भाई यहाँ इकट्ठे हो इन शहीदों का हम लोग याद करें। आज ये भी आप लोग इसी प्रकार से इन कार्यक्रमों को आयोजित करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मुकेश जी शर्मा। मैंने किताब में पढ़ा कि जब इनको फांसी तो कल देनी थी लेकिन अंग्रेज डर गए और इन्होंने एक दिन पहले इनको चुपचाप तरीके से फांसी दे दी थी। तो इससे पहले जब इनकी माँ भगत सिंह जी की माँ मिलने आई तो माँ रोने लगी तो उनको माँ को देख के कहने लगे भगत सिंह जी कि माँ तू रोना नहीं, अगर तू रोएगी तो लोग मुझे कायर कहेंगे, कहेगी भगत सिंह की माँ होकर के ये रो रही है तो रोना नहीं है। बेडन पावल जी एवं भारत विकास परिषद शाखा अनूपगढ़ के प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से आज शहीदों को समर्पित कार्यक्रम के तहत शहीद हेमू कलानी की जयंती का कार्यक्रम एवं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पधारे हमारे स्थानीय संघ सचिव राजा राम जी दास, समाजसेवी भगवान दास जी मेठिया, समाजसेवी कृष्णलाल जी गुदारा और भाजपा नेता एवं समाजसेवी मुकेश जी शर्मा, जोशी जी, कंकर जी, समाजसेवी पूर्व पार्षद अशोक जी मीठिया, लालचंद जी नाथपा, हमारे यहाँ के प्रभारी कमिश्नर, सहायक जिला कमिश्नर मनसुख जी सारस्वत और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ठाकरदास जी मीठिया, आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में पधारे। मैं जो इस क्रू को में एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं अवतार सिंह जी जो कि रोवर युवा रोवर हैं, कुलदीप जी शर्मा जो कि युवा रोवर हैं, विकास जी शर्मा, पूनम चंद जी, राकेश कुमार जी, हरनेक सिंह जी, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तहे दिल से स्वागत एवं धन्यवाद करता हूं। युवाओं की इस टीम ने जो बीड़ा इस क्षेत्र में अनूपगढ़ क्षेत्र के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है जो उठाया है, इन्होंने सेवा के क्षेत्र में जो
आयाम स्थापित किए हैं उनके लिए पूरी टीम इन जो अंग्रेजों के विरुद्ध योद्धा जो लड़े थे और जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली थी, इनकी प्रेरणा से ये आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी की प्रेरणा से जो हमारी टीम को जो सफलता मिली है, इनको मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।